अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आदम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होके खैर से है। दिन कौन सा है? ट्यूसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपने खाने का प्लान है वो है अखनी पुलाव। सारी सारी चीज़ें जो कि अभी चाय भी रेडी हो चुकी है, जब ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद वेट करते हैं खाना बनने का। ऑल्सो हल्की फुल्की पैकिंग भी कर लेते हैं आज की। आजी तो ब्रेकफास्ट करते करते मैं सोच रहा था कि जब मैं लाइट लगाया था घर के, तो उसको भी मैं निकाल के साथ में लेके चलूँ, क्योंकि इस साइड का मैं मुंबई पहुँच कर मैं रूम में लगाऊंगा मैं, तो वो मैं सोच रहा था ब्रेकफास्ट करते करते जैसे मैं सोचा भाई मुंबई है वहाँ पे एकदम मस्त, एकदम एक से एक लाइट मिलेगी। तो फिलहाल तो वो प्लान मैं कैंसिल कर लिया, बाकी जो मेरा फ्लाइट है काई वाला उसको तो मैं डेफिनेटली मैं रूम में लगाऊंगा। और अभी जो मैं खुशबू आ रही है अखनी की ब्लॉग की, हाँ हाँ, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर यहाँ पे अपनी अखनी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, और सिर्फ फील करें आप इसको। उसके साथ में जो कचुम्बर, तो कचुम्बर भी आप देखो अपना सिंपल एंड सादा है। तो भाई अलहमदिल्ला खाना भी मैं हो चुका है, 3:15 बज रहे हैं अभी, और अभी चलते हैं साइकिलिंग में, थोड़ा खाना भी हमें डाइजेस्ट करना है ना। और ये कम्बल एक ब्लैंकेट है अपने घर में, ऐसे ही पड़ा था, न्यू है। तो यहाँ पे अपने घर के पास में एक लेडी रहती है, उनको मैं दे दूंगा जाके। आज मैं पहले अपनी ये वाली कैब जो कि मेरे फादर लेके आया था अब्रॉड से, जब मैं टीनेजर था तब से कैब मैंने संभाल के रखा हो, एंड फाइनल अभी पहनने लगा मैं, टकला हो चुका है जिसको पहनता हूँ, चलता हूँ बाहर साइकिलिंग करते थोड़ा। आज भी लास्ट व्लॉग में मैं क्लिप ऐड करना भूल गया था, जब मैं अपनी साइकिल की सफ़र की दुआ पढ़ रहा था, उसी के साथ साथ जब मैंने अपने वॉच का एक्टिवेट किया था अपना साइकिलिंग का मोड भी, वो पार्ट में ऐड करना भूल गया था, मुझे लगा कि मैं रिकॉर्ड नहीं किया गलती से। एंड फिर देन मैं अभी देखा तो भाई वो मेरे फोन में ही था वीडियो क्लिप, जबकि मैंने ढूंढने के बाद मुझे रात में नहीं मिला एडिटिंग करते वक्त। मैं सोच रहा था वो जो अपनी क्लिप है उसको मैंने मेन चैनल पे से शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा। पहले तो साइकिलिंग करके आता भाई, काफी मन भी हो रहा है, खाने में डाइजेस्ट हो जाएगा अपना, एंड उसके बाद जाके फिर अपनी पैकिंग स्टार्ट करेंगे घर पे आने के बाद। भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड आपका भाई, तो पहले साइकिल बाहर निकले तो मैं एंड गिरा कर भाई, ये सबसे ज़्यादा खराब लगता है मुझे इसका, और ख़राब भी लगता है अच्छा भी ये लगता है कि बाहर जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तो मेरे कान में हवा नहीं आती है, ऑल्दो बंद रहता पूरा टाइम, आई मीन कनेक्टेड रहता है बट कुछ भी प्ले नहीं होता उसके अंदर। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। ये दुआ मैं कल व्लॉग में ऐड करना भूल गया था, इट हैपेंस। जब मैं नई नई साइकिल थी यहाँ पे मैं चलाने के लिए आया था, तो भाई ये वही ब्रिज है जहाँ पे मैं पहली बार अपनी न्यू साइकिल लेके फर्स्ट दिन ही गिरा था, इसी कोने पे गिरा था मैं, इसी कोने पे एकदम खतरनाक गिरा था भाई। साइकिल पे हल्के फिर स्ट्रेचिस आए थे, घुटने पे भी लगा था, नी पे भी लगा था। भाई सोचो जब आप न्यू साइकिल पे ऐसे गिरते हो कहीं पे एंड उसके बाद स्ट्रेच आते हैं, मैं उस वक्त मैं दिल के बस स्ट्रेच आया था। और जो अपना मार्च सूख चुका है बट मैं यहाँ से मैं साइकिल उतार नहीं सकता, यहीं से घूम कर जाना पड़ेगा। तो इस वक्त में अगर मैं समर्स में निकलता हूँ साइकिलिंग करने के लिए तो अभी तक तो मैं पूरा पसीने में भीग जाता। जो अल्लाह पाक का शुक्र है भाई ये रास्ता भी अभी भी पक्का बना है, तो भाई ये भी पूरा ऐसा रास्ता था, अगर ऐसा रास्ता मिल जाए तो साइकिलिंग करने में एक अलग ही मज़ा आता है। ये जगह देखो, ये जगह देखो, अभी आप देखो ये ट्रांजिशन आपको दिखेगा, ये देखिए आप साइकिल कितनी स्मूथ चल रही थी अभी कैसे चल रही है। जैसे कि लास्ट वक्त मैं कहा था कि अब से मैं कोई भी वीडियोस के अंदर म्यूज़िक बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ढेर सारे मुझे कॉपीराइट क्लेम आके देखे अननेसेसरली, क्रेडिट देने के बाद भी इतने सारे कॉपीराइट क्लेम आके रखे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ भाई। ये सीगल जो है कब से करता भाई, करिए पानी के नहीं देखो, काय के डुबकिया मारे मुझे पता नहीं,
क्योंकि अंदर ज़्यादा करके मछली भी नहीं है पानी के अंदर। होगा भाई कुछ तो, तभी ये लुकी हमारी है। एक कब से यहीं पे घूम रही थी वो पंछी, एंड मैं यहाँ पे जाके वीडियो स्टार्ट किया अपना। एक वाई वापिस से नहीं, अभी गई आगे। बाद में कर रहा था कॉपीराइट क्लेम की, तो मैं ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस है जिसमें कॉपीराइट क्लेम आके लेकर क्रेडिट देने के बाद भी बहुत मैंने सोचा इसके बारे में। फिर मैंने सोचा कि इस बात को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, अब से मैं वीडियोस के अंदर कोई भी म्यूजिक यूज़ नहीं करूँगा। बिना म्यूजिक के भी अच्छा खासा फील आता है ब्लॉग में, वो तो मैंने नोटिस किया डेफिनेटली। ये फ्रेम आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे मैंने ब्लर मोड को ऑन कर दिया एंड क्या मस्त लग रहा है मुझे ऐसे देखने में। फिर साइकिल को जो मैंने यहीं पर स्टैंड पर रख दिया जो एकदम एज पे, मैंने अपने माइक्रोफोन के आगे भी एंड पीछे भी डेड कैट लगा के रखा हो, क्योंकि मैं समुद्र किनारे पे हूँ अभी। यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, अभी भी काफ़ी अच्छी खासी हवा चल रही है, बट यहाँ पे आपका हवा की आवाज़ एकदम कम सुनाई में हो रही, जस्ट बिकॉज जो मैंने आगे भी डेड कैट लगाया था इसी को मद्देनजर रखते हुए। और भाई काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है। अगर मैं अभी माइक्रोफोन का भी निकाल दूँ तो हवा की आवाज़ कुछ इस तरह से सुनाई देगी जब मैं बात करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ, आपको सुना दो। यही पे मैं खड़ा हूँ एंड जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि हवा कितनी तेज चल रही है, हवा की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, ये सुना हवा की आवाज़, समुद्र की लहरें की आवाज़ भी आपको अभी क्लियरली सुनाई में आ रही होगी, जबकि इसके पहले जब फुटेज देखा जिसमें हवा की आवाज एकदम नाके बराबर आ रही होगी। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, वर्क्स परफेक्ट, जो कि मुझे चाहिए था। सही है भाई, वापस से हमने माइक्रोफोन को कनेक्ट कर लिया और हवा की आवाज़ किस तरीके से अभी रिड्यूस होकर आ रही होगी। भाई को मानते हो कि नहीं अभी आप? और भाई यहाँ पे जो मेरा प्लान था साइकिल लेके जाने का मुंबई, वो भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं भी साइकिल को अपने यहीं घर पे रख के जाऊँगा। जब मन तो मेरा बहुत ज़्यादा था जाने के लिए, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जा रही है, तो सारी फैमिली का सामान, उसमें फिर मेरी साइकिल आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसका मैनेज करने का, कैसे भेजना है। अभी अपने पास टाइम भी इतना नहीं है, क्योंकि पैकिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 3 साल के बाद अपन जाएंगे मुंबई। आते वक्त तो मैं नहीं किया था, बट जाते वक्त मैं ऑन करके जाऊँगा अपने साइकिलिंग का एक्सरसाइज मोड ऑन। एक बात तो है, मुझे मुंबई में अपने साथ में पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा, मतलब कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं कैरी करता हूँ, अभी नहीं है मेरे पास, बट मुंबई में डेफिनेटली मुझे कैरी करके साथ में चलना पड़ेगा पावर बैंक। साइकिल राइडिंग विद गाइस, हाँ बोलते हो, सही लगता है ना? नहीं ना, क्या सही लग रहा है? ग्रीनरी, ये साफ रास्ता, सीधा रास्ता, ना कोई खड्डे ना कुछ, ऐसे रास्ते पर रोज साइकिलिंग करने का मज़ा आ जाएगी। मुंबई में प्लान है साइकिल लेने का, वहाँ कौन सी होगी वो तो आप चल के डिसाइड करूँगा। फैट टाइप साइकिल होगा, मैं अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, साथ में ब्लॉग कर रहा हूँ, साथ में पिक्चर्स भी क्लिक किया, मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, वो सारे के सारी चीज़ मैंने किया अकेले, कोई है नहीं मेरे साथ में, अकेले। 1 सेकंड मोटिवेशन फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। अभी साइकिल में सीधा मैं घर में ले लूँगा, क्योंकि आगे कुछ काम नहीं है अपना, फिर रात तक साइकिल अपनी ऐसी घर के बाहर खड़ी रहेगी। इससे अच्छा अभी ले लेता हूँ घर के अंदर ही। ये जो गली है जहाँ पे आसपास झाड़ियाँ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो, अभी रात के प्रॉपर 2 बज रहे। मेरे पास तो गैजेट्स है, जो मेरे पास इक्विपमेंट है थोड़ी बहुत छोटे छोटे, इसको मैं जो है अलग करा था। देख के मैं दिमाग चकराने लगा भाई क्या क्या चीज मैं साथ में कैरी करूँ क्या नहीं। थोड़ा सारे साथ आम जब मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, जो अपनी एक्चुअल पैकिंग हुआ होता है डेफिनेटली काफी जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट में भागम दौड़ी करना मुझे पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मैं सारी सारी चीजें पहले रेडी करके रख देता हूँ। जैसे आपको कहा था मैंने कि मैं ब्लॉग में कोई भी म्यूजिक यूज नहीं करूंगा, बट यहाँ पे मुझे एक यूट्यूब पे चैनल दिखा दिया जिसका नाम है नो कॉपीराइट नाशिद्स। ये वाला चैनल का नाम है नो कॉपीराइट नाशिद्स। बेसिकली सारी के सारे जो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है एज दे क्लेम्ड। अबाउट में जाके अगर मैं पढ़ता हूँ इनका डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इट सेज इज अ कॉपीराइट फ्री स्ट्रीम सेफ रिकॉर्ड लेबर प्रोवाइडिंग फ्री टू यूज नाशिद्स टू अ कॉन्टेंट क्रिएटर कम्युनिटी। Keep in mind, we don't gradually 100% of our content is copyright free. There might some videos with copyright, so check description before using Nashids. साफ साफ इनका कहना ये है कि तो भाई नॉन कॉपीराइट म्यूजिक वीडियो, ताकि भाई हम जैसे क्रिएटर यूज कर सके। इसके अलावा उन्होंने लिखा है भाई कुछ ऐसे भी म्यूजिक है जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आपको आ सकते हैं। मैंने 2-3 ट्रैक्स सुना, मुझे काफी सही लगे, तो मैं डाइसी वन सके मैं म्यूजिक यूज करूंगा तो करूंगा। कुछ कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जिसके ऊपर ऐसा मुझे लगता है कि उसके ऊपर म्यूजिक यूज करना चाहिए, एंड ये चैनल क्लेम कहता है हलाल म्यूजिक है, मतलब आपके बेहतर पता है, बट म्यूजिक इज म्यूजिक। सो देखूंगा मैं इस चैनल के ऊपर जो मुझे सही लगे म्यूजिक यूज करना उसको मैं यूज करूंगा। उसके बाद भी आई एम गोना स्टिक दैट मैं अपने वीडियोस में कोई भी म्यूजिक यूज नहीं करूंगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब भी आपका भाई कलाम पाक
पड़ेगा तो उसका मैं अपनी वीडियोस में यूज करूंगा। फीडबैक कॉपीराइट का कोई झंझट नहीं होगा अपना। बाकी फील तो डेफिनेटली वीडियोस में बिना म्यूजिक के भी आता है, वो तो मैं डेफिनेटली काफी बार मैं कह चुका हूं, मैं नोटिस किया था। फिलहाल के लिए स्लॉको में कहता हूं यहीं पे समाप्त, क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं, मुझे स्लॉको में एडिट करना, उसके बाद थोड़ा मैं जल्दी उठना है। अपने मुंबई जाने के सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो फटाफट से मुझे सारी की सारी चीज कैसे करके अरेंज करनी पड़ेगी, जो भी है जैसा भी है। शुक्रिया स्लॉको यहाँ तक देखने के लिए। फॉर मोर अपडेट अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। शुक्रिया स्लॉको यहाँ तक देखने के लिए। डू कमेंट ब्लॉग पे ब्लॉग कैसा लगा, नेवर गिव अप, थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। भाई यहाँ पे कांटे जो बहुत सारे देखिए, मैंने यहाँ पे चुभे।